किसी के लिए माफी नहीं है। जिदा दिल करे गोली मार देवे, जिदा दिल करे कुत्तिया मार देवे, जिदा दिल करे मैनू जहर दे देवे, जिदा दिल करे मैनू जेल च लै जाए, जिदा दिल करे मैनू मेरे ते दहशतगर्दी दे मुकदमे बना के मैनू जेल च छुट देवे। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी की। जब हुजूर के खाकों का ऐलान हुआ और तुम जनाब उसके लिए कोई जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हो और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर बताओ तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है। वो कलमा मुझे भी उनको अभी 15-20 मिनट पहले फरूक हॉस्पिटल इकबाल टाउन लेकर आया थे, जब जहां पर डॉक्टरों ने उनकी बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन वो जान बाँध ना हो सके। जब वो आए थे तो उसी वक्त उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और उनको शॉक्स भी दिए गए कि उनका दिल जो है वो कहीं चल जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद, तमाम डॉक्टर जो कोशिशें करते रहे लेकिन इसके बावजूद सरबराज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान खादम हुसैन रिजवी इंतकाल करके इस वक्त इकबाल टाउन फरूक हॉस्पिटल के बाहर जब बेगफीर है आवाम का, जो कि डॉक्टरों से जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई है फरूक हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब इमल है उन्होंने बताया है कि उनकी डेड बॉडी जो है यहाँ से अभी 5-10 मिनट बाद हम वो निकाल रहे हैं। इस वक्त इकबाल टाउन फरूक हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी निकाली जा रही है। शहजाद साहब, क्या अर्जा क्या लाहक था उनको और अभी हार्ट अटैक हुआ क्या उन्हें? जी, जब हमारी डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सरबराह खादम हुसैन रिजवी जब तशरीफ लाए तो उस वक्त उनकी तबीयत नासाज थी और उनको दिल का हार्ट अटैक हुआ था और नीम बेहोशी की हालत में थे। फौरी तौर पर उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और जो डॉक्टरों की पूरी टीम है हॉस्पिटल में वो वहां मौजूद थी, उन्होंने उनको जान बाँध लाने की बहुत कोशिश की। उनको अटैक्स भी उस मौके पर दोबारा फिर हुआ जिस पर उनको मशीनों के साथ प्रेशराइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी सांस बहाल ना हो सकी जिस पर वो खालिक के हकीकी से जा मिले हैं।